है पूरे मामले का पालन करना पड़े तो इन्हें तकलीफ होती है। अगर कोई चाहे कि इनका लाइसेंस इनसे पूछे, इनके परमिशन के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करे, तो वो उस 5-10 मिनट के अंतराल को ही कभी अरेस्ट का रूप दे देते हैं, कभी डिटेंशन का रूप दे देते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन यस्टरडे, अ स्मॉल इंसिडेंट वेयर पुलिस वांटेड टू चेक द ऑथेंटिसिटी, वेयर पुलिस वांटेड टू चेक द परमिशंस बिकॉज इलेक्शन हैड ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। दे ट्राई टू कवर इट फर्स्ट बाय मेकिंग इट अ केस ऑफ अरेस्ट एंड देन ऑफ डिटेंशन। व्हेन बोथ थिंग्स फेल्ड देन दे मेड इट इनटू a chaos outside the BJP office and indulged in violence, indulged in stone pelting, took off the hoardings, climbed the walls and misconducted themselves. And none other than Mr. Ashutosh Gupta, who happens to be a former journalist. I want that bias of the media should not work, because this is not a question which is against party A, B or C. This is about the country we all live in. This is about what philosophy we believe in. This is about what are the principles on which democracies need to function. Can the people who believe in this kind of saboteurs philosophy, who have members like Sabyasachi Panda as their members, on whose head 5 lakh rupees is the prize money, be allowed to conduct their business and take the oath of the constitution? It is this which needs to be debated and translated. Government has its own rules, law has its own place, and we need to oppose within that system, not as people who don't believe in the existence of constitution or constitutional mandate. We have seen the misconduct of this party, and repeated misconduct is what they are indulging in, and it is under these circumstances that our president Mr. Rajnath Singh ji told each one of us and sent a message that in spite of agent provocateur, which happens to be this new party, you all have to remain calm and peaceful. And this is exactly how the BJP workers have conducted themselves. We condemn all acts of violence and all acts of sabotaging the democratic system. Any questions? नहीं, देखिए अभी इससे जो मैंने बार बार कहा है, मिस्टर सिब्बल इज जी, जिस तरीके से सिब्बल जी ने ये बात कही है, स्पष्ट होता है कि जो नौटंकी है वो स्पष्ट है बिल्कुल, कि आम आदमी पार्टी नौटंकी करेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस बचाओ अभियान करेगी, क्योंकि जब जब इन पर मुसीबत पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए चले आते हैं। हमने पूर्व में देखा कि जिस समय मिसेस थरूर की रिपोर्ट आई थी तब धरना हो गया था, अगस्ता वेस्टलैंड डील की जिस दिन चिट्ठी आई थी उस दिन अरुण जेटली जी के घर के बाद धरना हो गया था, और कल जब अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं फाउंडर मेंबर हूं आम आदमी पार्टी का और इनके बहुत गहरे संबंध है CIA के साथ और मैं देश के साथ देशद्रोह नहीं कर सकता, इसलिए मैं इनसे अलग हुआ, तो कपिल सिब्बल जी इनको बचाने के लिए चले आते हैं। तो एकदम स्पष्ट है राजनीति और रणनीति, और ये भी स्पष्ट है कि झाड़ू का सिंबल इस पार्टी को कैसे मिला है। ये बात मैंने पूर्व में भी कही है, दोबारा दोहराती हूँ कि किसी भी नई पार्टी को पहले चुनाव में उसका जो चुनाव चिन्ह है वो कभी रिजर्व नहीं हुआ होता, बल्कि वो चुनाव चिन्ह पहले इलेक्शन में फ्री सिंबल पे 10% से अधिक मतदान या वोट शेयर लेने के बाद जो है उसको रिजर्व किया जाता है। लेकिन वो भी शायद सिब्बल जी जैसों की निगरानी में ऐसा काम हुआ, तो स्पष्ट रूप से किस तरीके के हस्तक्षेप और मदद एक दूसरे के सामने आ रही है वो दिखाई पड़ रहा है। और जिस दिन मीडिया ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछना था एक महीने के अंतराल के बाद कि आपकी सरकार ने क्या क्या किया, तो जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ तो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के MLA ने खड़ा होकर उस मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तहस नहस किया था। तो ये कपिल सिब्बल जी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सब कांग्रेस बचाओ परियोजना के तहत
मिली भक्ति से काम चल रहा है, क्योंकि अगर अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने जिस तरीके की आलोचना की है और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। थैंक यू।